जापानी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ओकिनावा के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में गुरुवार शाम रडार से अचानक गायब हो गया था। इसके बाद से इसके क्रैश होने की खबर अब सामने आई है। यह हेलीकॉप्टर एक मिशन पर जा रहा था और चालक दल के 10 सदस्यों को लेकर जा रहा था, जो अचानक जापानी सैन्य हेलीकॉप्टर के रडार से गायब हो गया, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ था। हर सत्र पर सेना हेलीकॉप्टर को ढूंढने में जुटी थी और फिर कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर के टुकड़े दक्षिणी महाद्वीप के पास मिले। जापानी सेना ने कहा कि 10 चालक दल के सदस्यों को ले जा रहा जापानी सेना का एक लापता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एक दक्षिणी द्वीप से दूर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बड़ी बात यह कि दुर्घटना फोर्ट कैंपबेल केंटकी के पास दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के बीच हवा में हुई टक्कर में 9 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद हुई। ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के प्रमुख ने बताया, UH-60JA ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मियाको द्वीप के उत्तर में एक टोही मिशन के दौरान रडार से गायब हो गया था, जिसका मलबा बाद में टोक्यो से करीब 1120 मील दक्षिण पश्चिम में इलाके में देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओकिनावा के मियाको द्वीप से शाम 4 बजे से पहले उड़ान भरने के बाद एक घंटे की उड़ान के बाद इसे वापस आना था। दुर्घटना तब हुई जब क्षेत्रीय समुद्र में चीन की बढ़ती मुखर सैन्य गतिविधि के जवाब में देश अपने बचाव को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए काम कर रहा था। जहां ताइवान के आसपास भी तनाव बढ़ रहा है, वहीं अमेरिकी निर्मित ब्लैक हॉक दुनिया भर में कई सेनाओं द्वारा उड़ाए जाते हैं। पिछले महीने ही अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक आपस में भिड़ गए थे। जानकारी के मुताबिक एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान फोर्ट कैंपबेल केंटकी के पास 2 ब्लैक हॉक के बीच हवाई टक्कर हो गई थी, जिसमें 9 सैनिक मारे गए। दोनों हेलीकॉप्टर्स एक रूटीन ट्रेनिंग के दौरान मिशन पर निकले थे। हादसा 29 मार्च की रात को हुआ था। एक हेलीकॉप्टर में 5 जवान बैठे थे जबकि दूसरे में 4। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर एक रिहायशी इलाके से थोड़ा दूर जाकर मैदान में गिरे। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिकी मिलिट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर माना जाता है, जिसे कई देश खरीदते हैं। यह हमला करने, ट्रांसपोर्ट करने, मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च और रेस्क्यू जैसे मिशन में काम आता है। इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इराक और अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अमेरिका ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।